नमस्कार दोस्तों, मैं आज 6 दिन बाद फिर से अपने खेत पे लौटा हूँ और आज अपने खेत के कुछ कार्य हैं। आज चूँकि रविवार है तो मैं फटाफट कुछ कार्य कर लूँगा। जैसे कि प्याज बोया था, प्याज को इसमें से निकाल दिया है। प्याज सग्गा प्याज थी तो उसको निकाल दिया। और देखिए, मैं दिखाऊँ आपको, ये हाथ में लिया हूँ मेथी और आज मैं एक क्यारी में खाने के लिए मेथी लगा दूँगा। मेथी लगाने से मुझे फ़ायदे ये मिलेंगे कि 20 से 25 दिन बाद मेथी मेरी तैयार हो जाएगी। और यदि आप भी किसान हैं और आप भी यदि खेती करते हैं तो छोटे छोटे क्यारियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में आप भी चाहें तो मेथी की खेती कर लीजिए। मेथी आपको बढ़िया फ़ायदा दे देगी। अब दिखाता हूँ कि मैंने कैसे मेथी की बुआई की है। ये देखें, इसमें मैंने गोबर की खाद डाली थी और गोबर की खाद डालने के बाद मेथी मैंने छींटना शुरू कर दिया। ये देखिए, मेथी के बीज आप देख रहे होंगे। अब मेथी को छींट दिया है और एक छोटी सी क्यारी बो रहा हूँ। पतली क्यारी है और पतली सी क्यारी में, ये देखें, इतनी छोटी क्यारी है, इसमें मैं बो रहा हूँ। इसमें बो करके और फिर कुदाल से इसको मिला दूँगा ताकि ये आराम से जर्मिनेट हो जाए। और इसको नमी हल्की हल्की देते रहूँगा जिससे जो है ये जर्मिनेट हो जाएगी। और बहुत बढ़िया, देखिए मैं छींट भी रहा हूँ इसको, मेथी को, और बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप भी यदि मेथी की खेती करना चाहें तो इस समय कर सकते हैं। देखिए, मैं सेम की फली लगाया हूँ और बहुत सारा, जैसे कि आपने देखा, आज मैंने मेथी बो दी। मेथी बोने के बाद आज अपने खेत में पौधों को पानी दिया हूँ, क्योंकि 7-8 दिन बाद खेत में आया हूँ। और जो बहुत सारे लोग इस समय किए होंगे सेम के फली की खेती, उसमें एक समस्या आती है, उसमें माहू का प्रकोप। इस समय जैसे सर्दी पड़ेगी, माहू का प्रकोप बहुत होगा और इसके लिए आप बहुत तरह के जहर डालते हैं, वो कंट्रोल नहीं होता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि माहू आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल करता हूँ। देखिए, ये फ्लावरिंग हुई है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। इसमें जब माहू आएगा तो ये हमारी फलियों को ख़राब कर देता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप नीम का तेल अपने खेतों में स्प्रे करें। जी हाँ, 15,000 PPM का नीम तेल या 1500 PPM का नीम तेल लें। नीम तेल लेते समय एक विशेष सावधानी बरतें कि नीम तेल आज मार्केट में जो बिक रहा है वो केवल एजेटोरैक्टिन 1.5 या 0.5 या 1% या 0.1% बिक रहा है, जो आपको 400-500-600 रुपया लीटर मिल जाता है। और आप कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, यही नीम का तेल है। लेकिन यदि आप ये समझें इसको कि यदि आप अपने घर का नीम तेल बनाते हैं तो नीम के तेल में 3 घटक पाए जाते हैं। मैं आसान शब्दों में बताऊँ तो नीम बीन, नीमसिन, एजेटोरैक्टिन, ये तीनों के काम अलग अलग हैं। और यदि इसे लेंगे तो ये लगभग मार्केट में 1500 रुपया लीटर के आसपास मिलेगा आपको। और इसका स्प्रे एक 1500 PPM का है तो 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml लेकर के इसे पूरा भिंगाते हुए स्प्रे कर देंगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप ये पाएंगे कि किसी भी तरह का माहू, कीट और कीट के अंडे, इन तीनों के कंट्रोल में आपको शानदार परिणाम मिलेंगे जिससे आपकी खेती जबरदस्त होगी। तो बने रहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।